सो गाइज़ यार आप लोगों को कुछ इस टाइप की न्यू एडिटिंग सिखाने वाले हैं और आप लोगों को ये बहुत ही इजी स्टेप में बना सकते हो। सो गाइज़ यार आप लोगों को सबसे पहले जो एप्लीकेशन की ज़रूरत है वो अलाइट मोशन की, एंड आप लोगों को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में ही सारे स्टेप बाय स्टेप करने हैं। चलिए आइए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को लाइट मोशन खोल लेना है। लाइट मोशन खोलने के बाद यहाँ प्लस आइकन आएगा, एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि यार सबसे पहले तो आप लोग यहाँ ब्लैक कलर चॉइस कर लेना, ठीक है। एंड आप लोग माउस का एरो जो है वो आप लोग ध्यान से देखते रहना मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एंड आप लोगों को वो सीधे प्लस आइकन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर ए बी आ जाएगा, ठीक है ना। एंड ए बी मतलब आप लोगों को टैक्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोगों को दो इमोजी दे देना, कोई सा भी इमोजी दे सकते हो, ठीक है। इमोजी देने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने इमोजी दे दिया है। इमोजी देने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना, यस ऑप्शन के जस्ट बगल में कलर वाला एक ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को यहाँ पर कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें कलर करना है, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना, ओके। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखो सेकंड ऑप्शन में क्लिक करना, और इसको जो है ना पूरा इसको ऑफ़ कर देना, मतलब कम कर देना। ये देखो अपने कलर में ये आ जाएगा, ओके भाई। यस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, अगला स्टेप आप लोगों को यहाँ पर एक मैं फॉन्ट दूंगा जिसका लिंक आप लोगों को, जो भी लिंक होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूँगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि जो फॉन्ट है उसको ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर फॉन्ट को मैं ऐड कर लेता हूँ। आप लोगों को ऐड करना नहीं आता है देखो, तो आप लोग इंपोर्ट ऑप्शन को वहाँ पर क्लिक करके ऐड कर लेना, नहीं आता है तो गाइस आप लोग मुझे एक कमेंट्स कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा, ठीक है। तो उस फॉन्ट को आप लोग चॉइस कर लेना, यहाँ पर उस जो आप लोगों का इमोजी है उस फॉन्ट के तरीके हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर एक पीटी वाला होगा ऑप्शन, उसको 32 कर देना, ठीक है। 32 करने के बाद आप लोगों को ये देख सकते हो ये जो आप लोगों का जो ये इमोजी है ना, इमोजी आप लोगों का बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जो कि आप लोगों की इमोजी है, ओके। इतना होने के बाद आप लोगों को इसको क्या करना है कि आप लोगों को बीच में एकदम रख लेना है। बीच में रखने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसकी रेशियो बढ़ानी है। तो आप लोगों को रेशियो मतलब आप लोगों को ये 3 सेकंड का होगा, तो इसको आप लोगों को 7 सेकंड का कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 7 सेकंड का कर लेता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहो, ये देखो मैंने 7 सेकंड का कर लिया। 7 सेकंड का करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अगला स्टेप जो करना है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इमोजी में क्लिक करना, एंड मूव एंड ट्रांजेक्शन में क्लिक करना, और यहाँ पर इसको आप लोग को तीसरे नंबर पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा जूम करना है, ठीक है। तो इसको जूम कर लेना, बीचों बीच लगाना है, जूम करना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको कर लेना, मैं थोड़ा सा अपना हिसाब से कर लिया हूँ, क्योंकि इसके बीच में हम लोगों को क्या करना है कि इसका नाम भी लिखना है इसके ऊपर जस्ट। तो इमोजी आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा ही रखना, ओके। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। तो ये मेरा हो चुका है, एंड यहाँ पर आप लोगों को फिर से इमोजी में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग सॉरी गाइस, ये इमोजी को आप लोगों को 100% होगा ना ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके, तो इसमें क्या करना कि आप लोगों को 40% कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसको थोड़ा सा हल्का कर दिया हमने, ठीक है ना। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर जाओगे तो ये इसको नॉर्मल पर ही रहने देना, बट 40% कर देना। इतना होने के बाद आप लोगों को अब क्या करना है, जो इसकी प्लस आइकन पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर क्लिक करना, ए बी वाला जो है ना, ए वाला टेक्स्ट, ठीक है, उस पर क्लिक करके अपना नाम लिख देना। अब जिसके नाम का भी बनाना है आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, तो मुझे अपने नाम का बनाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इतना मैंने क्लिक किया, और इसमें हम लोगों को फॉन्ट लगाना है, तो चलो इसका भी मैं फॉन्ट आप लोगों को दे दूंगा, जो कि आप लोगों को ब्राइटनेस कुछ नाम से होगा, ठीक है ना। तो इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट फॉन्ट, ठीक है। इंपोर्ट फॉन्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ऐसे ही फॉन्ट को ऐड करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे फॉन्ट को आप लोगों को ऐड करते हैं, तो ठीक है। तो ये फॉन्ट का जो लिंक होगा वो भी मैं आप लोगों को अपने दे दूंगा, ब्राइटनेस वाला है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना है कि इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये देख सो तो ये आ गया ब्राइटनेस करके, ठीक है ना। 1 2 3 मैंने ऐड किया था ब्राइटनेस वाला, आप लोगों को तीनों में से एक कोई चॉइस कर लेना, मैंने अपने हिसाब से चॉइस कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि इसको जो है ना इसको कलर देना है, तो इस पर क्लिक करना, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ से हम कलर नहीं देंगे, हम लोग देंगे नीचे, ठीक है। अभी रुको, तो इसको हम लोग यस कर देते हैं सबसे पहले तो, और ये देखो ये मिल जाएगा हम लोगों को ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के जस्ट बगल में मिलेगा कलर वाला ऑप्शन। कलर में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन दिखा देते हैं आप लोगों को सबसे पहले। ये देखो बहुत छोटा है और कलर भी नहीं है इसमें, तो आप लोगों को इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना, ठीक है, बीच वाले में, मतलब इसके जस्ट बगल में। और यह देखो यहाँ पर ब्लैक होगा ना,
और यहाँ पर वाइट होगा। ओके, तो ब्लैक वाले पर आप लोगों को देख सकते हो ब्लैक और वाइट दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को ब्लैक वाले पर क्लिक करना है, ठीक है ना। वाइट वाले पर नहीं, ये देखो इस वाले पर क्लिक करोगे ना, ओके, इतना क्लिक करने के बाद आप लोगों को जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर कलर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला आप लोगों को रेड के जस्ट बगल वाला कलर आप लोगों को दे देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसको बैक करना है, ओके, इतना ही आप लोगों को करना है। कलर ये वाला आप लोगों को दे देना है एंड इतना करने के बाद आप लोगों को मूव एंड ट्रांजेक्शन में जाना और इसको बड़ा करना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसको जूम कर लेना और एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो आप मूव लेयर कर लेना, ठीक है। इस पर भी आप लोग फर्स्ट नंबर और तीसरे नंबर को यूज करके आप लोगों को मूव भी कर सकते हो और इसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो अपने हिसाब से मैं बड़ा और छोटा रख लेता हूँ, आप अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है ना। वीडियो को देख के सही से, ओके। तो मैं इमोजी से थोड़ा सा छोटा रखूँगा अपने नाम को, क्योंकि इमोजी भी मेरी दिखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको सही से अपने हिसाब से रख लेता हूँ, ये देखो मैंने रख लिया है। रखने के बाद हम यहाँ पर जो करने वाले हैं आगे का स्टेप वो ध्यान से देखते रहना। ये देखो मैंने अपने हिसाब से छोटा कर लिया क्योंकि मुझे अपना इमोजी भी दिखाना है, ठीक है। तो इमोजी नहीं दिखेगा तो भाई फ़ायदा क्या है इमोजी लगाने का। तो मैंने यहाँ पर इमोजी रख लिया। अब इसको जो मेरा नाम है उसको मैं इसको पूरा 7 सेकंड का कर देता हूँ। तो इस पर मैं क्लिक किया, 7 सेकंड की हो गई, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब इसमें लगाना है इफेक्ट वगैरह। तो आप लोगों को नाम में क्लिक करना है, ठीक है। नाम में क्लिक करना, इफेक्ट में क्लिक करना, एड इफेक्ट में जाना है, ठीक है। यहाँ पर जो टैक्स आप लोगों को जो भी यहाँ पर लिखना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखना है एस, ठीक है ना। यहाँ लिखना है आप लोगों को STREAK, ठीक है ना, स्ट्रेक स्ट्रिप्स, ठीक है ना। तो देख सकते हो नाम आप लोगों को स्क्रीनशॉट मान लेना है, ठीक है ना। STREAK स्ट्रिप, ठीक है। अब यहाँ पर काउंट होगा, काउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, आप लोगों को कम करना है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर कम कर लेना, 0 आप लोगों को 1 कर लेना है, 1.0, ठीक है। तो 2.0 कर लो, ठीक है ना, 2.0, ओके। इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर की फ्रेम लगा दो, ठीक है। यहाँ पे एक की फ्रेम लग गया है, ये देखो। अब थोड़ा सा आप लोगों को आगे जाना है, 1 पॉइंट कुछ पर चले जाओ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से अपने हिसाब से चले जाना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा 1 पॉइंट कुछ पर चले जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर ध्यान से देखना, आप लोगों को क्या करना है कि इसको आगे ले जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को कम से कम ले जाना है आप लोगों को पूरा, आप लोग ध्यान से देखते जाना मैं कितना ले जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से एकदम। तो यहाँ पर मैं और भी आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाने के बाद यह 40 मैंने रख लिया, ठीक है। 40 सेकंड बाद थोड़ा सा और आगे ले जाओ इसको, ठीक है ना। लेयर को, ऊपर वाले लेयर को थोड़ा सा आगे ले जाओ और इसको पूरा का पूरा 100 कर दो, मतलब 500 होगा ना, 500 पूरा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 500 कर देता हूँ, ये देखो मेरा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा आगे लेके आया और मैंने 500 पूरा लेयर कर दिया, ऑटोमेटिक यहाँ पर की फ्रेम लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की फ्रेम लग चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर सेकेंड वाले की फ्रेम में आना और यहाँ पर हमें एंग्री वाले में जाना है, एंगल वाले में। एंगल में जाने के बाद यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि एंगल वाले को बढ़ा लेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, यहाँ पर लमसम मैं यहाँ देख सो तो 85, ठीक है। 85 देने के बाद सबसे पहले नंबर पा जाऊँगा और यहाँ पर फेस को मैं दे दूँगा, ठीक है ना। फेस को मैं 2 पॉइंट यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है, 0.0। इतना करने के बाद हम लोगों को हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पर की फ्रेम लगाएंगे, ठीक है ना, फेस में फर्स्ट नंबर पर, और यहाँ पर सेकंड वाले के बीच में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कर देंगे इसको 0, मतलब 0.0 कह रहे हैं, सॉरी गाइस, एकदम 0.0.0, ठीक है ना, 0.0.0.0, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों का हो गया ख़त्म इतना लेयर, ठीक है। ये देखो किस हिसाब से हम लोगों का काम कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग अब टैग्स में तो लगा लिए हैं, अब हम लोग लगाएंगे इमोजी में। तो इमोजी में क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट में जाएंगे। ऐड इफेक्ट में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक सर्च करेंगे इफेक्ट, यहाँ पर WAVE, ठीक है ना, वेब वेब, ठीक है ना, वेब वेब। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर देखो सबसे पहले फेस मिलेगा, फेस में हम लोगों को यहाँ पर देखो यहाँ पर ले जाना है हम लोगों को आगे। सबसे पहले यहाँ पर 2.00 कर लेना और एक की फ्रेम लगा देना। की फ्रेम लगाने के बाद सबसे लास्ट में आ जाओ और सबसे लास्ट में जाने के बाद पूरा का पूरा माइनस करो, मतलब माइनस पूरा नहीं करना, 0.00 कर देना, ठीक है। ये हो गया। अब एंगल में जाना है, ठीक है ना। एंगल के नीचे आप लोगों को स्पेसिफिक मिल जाएगा, स्पेसिफिक में जाना है और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, स्पेसिफिक में हम लोगों को 0.000 कर देना है, ठीक है, मतलब 0.0, सॉरी गाइस, 1.00, ठीक है।
कितना करने बाद उसके जस्ट नीचे मिल जाएगा एम वाला, एम वाले में भी आप लोगों को 1 पॉइंट कर देना है, ठीक है ना, 0। और यहाँ पर वेब एंगल मिल जाएगा, इसको छेड़ना नहीं है, माइनस कर दो, मतलब पीछे कर लो। पीछे करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि दोबारा से आप लोगों को मतलब यहाँ पर चेक कर लो। सबसे पहले चेक करने के बाद फिर से आप लोगों को उसी में क्लिक करना है, इमोजी में। इमोजी में क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है ना, गेसियन, ठीक है ना, गेसियन ब्लर, ठीक है, GASSIA लिखोगे तो आ जाएगा गेसियन ब्लर। उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर 1 पॉइंट, देखो यहाँ पर 0 पॉइंट कुछ करके होगा, तो यहाँ पर 0 पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को देना है, ध्यान से देखते जाओ, 0.500 या आप लोग कम कर देना, ठीक है ना, 0.185, ठीक है, 185 करना। और यहाँ पे एक आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पर की फ्रेम लगाना है, की फ्रेम लगाने के बाद ये देख सकते हो, इस पर क्लिक करो, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक की फ्रेम लगाया और यहाँ पर आप लोगों को एक की फ्रेम लग गया, थोड़ा सा आगे जाना है, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि इसको ऑटोमेटिक माइनस में कर देना है, मतलब 0.00 कर देना है, ऑटोमेटिक एक की फ्रेम लग जाएगा। अब ये देखो की फ्रेम लग चुका है, अब आप लोग ध्यान से देखते रहना जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। फिर से आप लोगों को इमोजी में क्लिक करना और यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है एंड एड इफेक्ट में जाना और यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है गेसियन तो ब्लर हो गया, यहाँ पर एक्सपोजर गामा लिखना है, ठीक है, एक्सपोजर गामा में स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है और एक्सपोजर गामा में फिर से क्लिक करना और यहाँ पर आप लोगों को एक्सपोजर मिल जाएगा। एक्सपोजर में आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो 0.00 होगा, तो यहाँ पर 0 पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को कर लेना है, कम से कम यहाँ पर आप लोग 1 पॉइंट देख सकते हो, ध्यान से आप लोगों को 1.00 कर लेना है, थोड़ा सा आगे भी ले जाना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा 1 पॉइंट, ठीक है ना, 20, ओके, 1.20 करने के बाद एक आप लोगों को की फ्रेम लगाना है और यहाँ पर जो एक और आप लोगों को सेकंड वाला मिल रहा ना, ये देख सकते हो एक की फ्रेम लगा हुआ है, उस पर आप लोगों को जाना है और यह माइनस कर देना है, मतलब माइनस में नहीं जाना है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर करना है 0.0, ठीक है ना, मतलब माइनस में नहीं जाना है, 2 पॉइंट यहाँ पर कुछ कर लेना है, ठीक है, ये देखो इतना कर लेना है, एकदम माइनस में मत जाना, 0.0 कर लेना, मतलब 1 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को फिर से यहाँ पर क्लिक करके चेक कर लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को तैयार हो जाता है, ठीक है ना, ये देख सकते हो तो किस टाइप से आप लोगों का तैयार हो चुका है अपना रील्स। आप लोग किसी के भी नाम का बना सकते हो और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, इसी टाइप के आप लोग न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर रील्स चाहते हो तो गाइस यार मेरे चैनल में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट कर सकते हो, ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये भी दोनों वीडियो अच्छी लगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना। चलिए नेक्स्ट।